السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 104 से पढ़ेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वलतकुम मिनकुम, और चाहिए कि हो तुम में से उम्मातुन, एक जमात, यदऊना, जो बुलाए, इलल खैरी, खैर की तरफ, वयअमुरूना, और हुक्म दे, बिल मारूफी, अच्छे कामों का, वयनहौना, और वो रोके, अनिल मुनकर, बुरे कामों से, वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं फलाह पाने वाले. इस आयत करीमा से मकसद ये है कि इस उम्मत में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को खैर की दावत दे, अच्छाई का हुक्म दे और बुराई से रोके. इरशादे बारी ताला है, फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरकात मिनहुम ताइफातुन ले यतफक्कहु फिद्दीन वलियुनज़िरु कौमहुम इज़ा रजाउ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून. सूरत अत्तौबा में, सो उनके हर ग्रोह में से कुछ लोग क्यों ना निकले ताकि वो दीन में समझ हासिल करें और ताकि वो अपने कौम को डराएं जब उनकी तरफ वापस जाएं ताकि वो बच जाएं. अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की जिम्मेदारी उम्मत के हर फर्द पर हस्बे मकदूर वाजिब है. सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब किसी बुराई को देखे तो उसे अपने हाथ से मिटा दे, अगर उसकी इस्तेआत ना हो तो जुबान से समझा दे, अगर उसकी भी इस्तेआत ना हो तो कम अज कम दिल से बुरा जरूर जाने, और ये ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा है. सैयदना हुज़ैफा बिन यमन रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम जरूर नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से मना करोगे. बसूरत दिगर करीब है कि अल्लाह ताला तुम पर अपनी तरफ से अजाब भेजे, फिर तुम इससे दुआ करोगे, करोगे भी तो वो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा. सैयदना नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की हदूद पर कायम रहने वाले और उनको तोड़ देने वाले की मिसाल उन लोगों जैसी है जिन्होंने कुर्रा अंदाजी करके एक कश्ती के हिस्से आपस में तकसीम कर लिए. उनमें से कुछ लोगों को कश्ती का निचला हिस्सा मिला जबकि दूसरे ग्रोह को ऊपर वाला हिस्सा मिला. जो लोग कश्ती के नीचे वाले हिस्से में थे उनको जब पानी की जरूरत पड़ती तो उन्हें ऊपर वालों के पास से गुजरना पड़ता. उन्होंने सोचा कि बार बार ऊपर जाने की वजह से ऊपर वालों को कितनी तकलीफ होती है, सो वो कहने लगे कि अगर हम अपनी कश्ती के हिस्से में सुराख कर लें तो यूं ऊपर वालों को तकलीफ ना पहुंचाएं. अब अगर वो ऊपर वाले उन्हें ऐसा करने से ना रोकें और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें और वो अपना ये इरादा पूरा कर लें तो सुराख के बायस कश्ती पानी से भरकर गर्क हो जाएगी और सब के सब हलाक हो जाएंगे. लेकिन अगर ऊपर वाले उनका हाथ पकड़ लें तो खुद भी बच जाएंगे और बाकी तमाम लोग भी निजात पा जाएंगे.
आयत नंबर 105। वला तकुनु और ना तुम हो जाओ कल्ला जीना मानिन उन लोगों की जो तफर्रकु जुदा जुदा हो गए वख्तलफु और उन्होंने बहम इख्तलाफ किया मिन बादी मा इसके बाद के जाअहुमुल बय्यिनात आ गई उनके पास वाज़े दलीलें वउलाइका और ये लोग लहुम उनके लिए अजाबुन अजीम अजाब है बहुत बड़ा। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यहूद और नसारा की तरह मुख्तलिफ ग्रोहों में बट जाने से मना फरमाया है जिन्होंने हक से रूगरदानी करके ख्वाहिश नफ्स की इत्तबा की और हक बात को वाज़े दलायल आ जाने के बावजूद इनके दरमियान हसद और अदावत और बुग्ज और अनाद पैदा हो गया और उनके दिल मुख्तलिफ हो गए। मालूम हुआ कि यहूद और नसारा के बहमी इख्तलाफ और फिरका बंदी की वजह ये नहीं थी कि उन्हें हक का पता ना था और वो उसके दलाइल से बेखबर थे बल्कि हकीकत ये है कि उन्होंने सब कुछ जानते हुए महज अपने दुनियावी मुफाद और नफसानी इगराज के लिए इख्तलाफ और फिरका बंदी का रास्ता इख्तियार किया था और उसी पर जमे हुए थे। कुरान मजीद ने मुख्तलिफ तरीकों से बार बार ये हकीकत वाज़े फरमाई और उससे दूर रहने की ताकीद भी की है। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खबरदार हो जाओ अहले किताब में से जो लोग तुम से पहले गुजर चुके हैं 72 फिरकों में तकसीम हो गए थे और ये मिल्लत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी 72 दोजख में जाएंगे और एक जन्नत में और वो जमात हो गई। अबू आमर अब्दुल्ला बिन लही बयान करते हैं कि हमने मुआविया बिन अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु के साथ हज किया जब हम मक्का में आए तो नमाज़े जुहर के बाद वो खड़े हो गए और कहने लगे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूद और नसारा अपने दीन में 72 फिरकों में तकसीम हो गए थे और ये उम्मत बिदात और ख्वाहिशात की वजह से 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी और एक के सिवा बाकी सब जहन्नम में जाएंगे और इससे मुराद जमात है। मेरी उम्मत में कुछ ऐसी कौमें पैदा होंगी जिन पर ख्वाहिशात और बिदात सरात कर जाएंगी जैसा कि बावले कुत्ते की बीमारी इसके साथी में मुंतकिल हो जाती है उसकी कोई रग और कोई जोड़ बाकी नहीं रहता मगर इसमें यह मर्ज सरात कर जाता है। सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया अल्लाह की कसम ऐ गुरु अरब अगर तुम इस दीन को कायम नहीं करोगे जिसे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए तो दूसरे लोग बिल औला उसे कायम नहीं करेंगे। अफसोस उम्मत मुसलमा के तफरका बाजों ने भी वही रवश इख्तियार की कि हक और उसकी रोशन दलीलें कुरान करीम और सुन्नत सहीहा की सूरत में उन्हें खूब अच्छी तरह मालूम है मगर वो अपनी फिरका बंदियों पर जमे हुए हैं और अपनी अक्ल व जहानत का सारा जोर पहली उम्मतों की तरह तावील और तहरीफ के मकरूह शुगल में जाया कर रहे हैं। आयत नंबर 106। यौमा जिस दिन तब यज़ु सफेद होंगे वजूह कई चेहरे व तस्वद्दु और स्याह होंगे वजूह कई चेहरे व अम्मल्लज़ीना स्वद्दत पस लेकिन वो लोग के स्याह होंगे वजूहुहुम उनके चेहरे उनसे कहा जाएगा आ काफर तुम क्या तुमने कुफ्र किया था बाद आबाद ईमानिकुम अपने ईमान लाने के फजूकू तो अब तुम चखो
फजूकुल अजाबा, तो अब चखो अजाब बीमा सबब इसके जो कुंतुम थे तुम तकफुरून कुफर करते। दीन में इख्तलाफ करने वालों को दर्दनाक अजाब इस दिन मिलेगा जिस दिन मोमिनों के चेहरे नूरे ईमान से चमक रहे होंगे और काफिरों और दीन में इख्तलाफ पैदा करने वालों के चेहरे नूरे ईमान से महरूम होने की वजह से स्याह हो जाएंगे। इरशादे बारी ताला है वो जूहियो मायसिन मुस्फिरा जाहिका तुम मुस्तबशिरा बवजूहियो मायसिन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा उलाइका हुमुल कफरातुल फजरा। सूरत अबस में कुछ चेहरे उस दिन रोशन होंगे हंसते हुए बहुत खुश और कुछ चेहरे उस दिन उन पर एक गुबार होगा उनको स्याही डांपती होगी। यही हैं जो काफिर हैं नाफरमान हैं। और फरमाया वुजूहुन मायज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा व वुजूहुन मायज़िन बासिरा तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फाकिरा। सूरत अल-क़ियामा में उस दिन कई चेहरे तरोताजा होंगे अपने रब की तरफ देखने वाले और कई चेहरे उस दिन बिगड़े हुए होंगे वो यकीन करेंगे कि उनके साथ कमर तोड़ देने वाली सख्ती की जाएगी। आयत नंबर 107। वअम्मल्लज़ीना और लेकिन वो लोग नबयज़्ज़त के सफेद होंगे वुजूहुहुम उनके चेहरे फाफी रहमतिल्लाही तो वो अल्लाह ताला की रहमत में होंगे हम वो फीहा उसमें खालिदून हमेशा रहेंगे। वअम्मल्लज़ीना बियज़्ज़त वुजूहुहुम फाफी रहमतिल्लाह अल्लाह की रहमत से मुराद जन्नत है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोज़ख और जन्नत में बहस हो गई। दोनों ने कहा मुझ में जब्बार, जहन्नम ने कहा मुझ में जब्बार और मुतकब्बर दाखिल होंगे, जन्नत ने कहा मुझ में ज़ाइफ और मस्कीन लोग दाखिल होंगे। अल्लाह इज़्ज़ व जल ने दोज़ख से फरमाया तू मेरा अजाब है, तेरे जरिए मैं जिसको चाहूँगा अजाब दूंगा, और जन्नत से फरमाया तू मेरी रहमत है, तेरे जरिए मैं जिस पर चाहूँगा रहम करूँगा और तुम में से हर एक को बर दिया जाएगा। सैयदना अबू अमामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मैयत पर नमाज पढ़ी। जब लोग मैयत को दफन कर रहे थे तो उन्होंने लोगों से कहा कि तुम इस दुनिया में सुबह शाम अच्छाइयां और बुराइयां बांट रहे हो, करीब है कि इसके बाद तुम्हें कब्र की तरफ जाना पड़ेगा जो तन्हाई का घर है, कीड़े मकोड़ों का घर है और तंगो तारीख घर है, सिवाय उस शख्स के जिसके लिए अल्लाह ताला उसे कशादा कर दे। उसके बाद क़यामत के दिन तुम्हें दूसरी जगहों की तरफ मुंतकिल कर दिया जाएगा। तुम इन जगहों में किसी जगह होगे कि अल्लाह ताला के हुक्मों में से एक हुक्म आ जाएगा, वो कुछ चेहरे सफ़ेद और रोशन कर देगा और कुछ चेहरों को स्याह और तारीख कर देगा। फिर तुम उस जगह से आगे किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाओगे, फिर अचानक ही लोगों को शदीद अंधेरा ढांप लेगा। उसके बाद नूर तकसीम किया जाएगा, मोमिन को तो नूर और रोशनी अता कर दी जाएगी, मगर जबकि काफिर और मुनाफिक को उस नूर से महरूम रखा जाएगा। हुम फीहा खालिदून। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे तो
तो मौत को इस हालत में लाया जाएगा गोया वो एक चितकबरा मेंढा है, जहां तक के उसे जन्नत और दोजख के दरमियान रख दिया जाएगा, फिर उसे जिब्बा कर दिया जाएगा। फिर एक मुनादी निदा करेगा कि ऐ अहले जन्नत, अब मौत नहीं आएगी, और ऐ अहले दोजख, अब मौत नहीं आएगी। ये सुनकर जन्नतियों की खुशी बढ़ जाएगी और दोजखियों के गम में इजाफा हो जाएगा। आयत नंबर 108। तिल का ये आयतुल्लाही अल्लाह ताला की आयतें हैं, नतलूहा हम पढ़ते हैं उन्हें, अलैका आप पर, बिल हक के साथ हक के, व मल्लाहु रो नहीं है अल्लाह ताला, युरीदु इरादा करता, जुल्मन जुल्म करने का, लिल आलमीन जहान वालों के लिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया जा रहा है कि अब तक जो कुछ बयान हुआ सब अल्लाह ताला की बरहक आयते हैं, और अल्लाह ताला किसी को बगैर जुर्म सजा नहीं देता। इरशाद बारी ताला है, मा युबद्दलुल कौलु लदैया व मा आना बिज़ल्लामिल लिल अबैद, सूरत काफ में, मेरे यहाँ बात बदली नहीं जाती और मैं बंदों पर हरगिज कोई जुल्म डालने वाला नहीं। आयत नंबर 109। वलिल्लाही और अल्लाह ताला ही के लिए है मा जो कुछ फिस समावाती आसमानों में है, व मा और जो कुछ फिल अर्जी जमीन में है, व इलल्लाही और अल्लाह ताला ही की तरफ तुर्जा उल उमूर लुटाए जाते हैं सब मामलात। इरशाद बारी ताला है, युदब्बिरुल अम्र मिनस्समाई इलल अर्ज, सूरत अस्सजदा में, वो आसमान से जमीन तक हर मामले की तदबीर करता है। आयत नंबर 110। कुन तुम हो तुम खैरा बेहतरीन उम्मत इन उम्मत उखरेजा, जो निकाली गई या बनाई गई है, लिन्नासी लोगों के लिए, तामुरूना तुम हुक्म करते हो, बिल मारूफ अच्छे कामों का, वतनहौना और तुम रोकते हो, अनिल मुनकरी बुरे कामों से, वतुमिनूना और तुम ईमान रखते हो, बिल्लाही साथ अल्लाह ताला की, वलौ अमाना और अगर ईमान लाते, अहलुल किताबी अहले किताब, लाकाना तो अलबत्ता होता, खैर अल्लाहुम बेहतर उनके लिए, मिनहुम बास उनमें से, मुल मुमिनूना ईमान लाने वाले हैं, व अक्सरुहुम मुल फासिकून और अक्सर उनमें से फासिक हैं। इस आयत में उम्मते मुस्लिमा को बेहतर उम्मत करार दिया गया है और उसकी इल्लत भी बयान कर दी गई है, जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर और ईमान बिल्ला है। गोया ये उम्मत अगर इन इम्तियाजी खसूसियात से मुतसफ रहेगी तो बेहतर उम्मत है, बसूरत दिगर इस इम्तियाज से महरूम करार पा सकती है। कुंतुम खैरा उम्मातिन उखरिजत लिन्नास, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने इस आयत कुंतुम खैरा उम्मातिन उखरिजत लिन्नास की तिलावत की, फिर कहा लोगों के हक में तुम सबसे बेहतर हो कि तुम उन्हें उनकी गर्दनों में जंजीरें डाल कर लाते हो, हत्ता के वो इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। हकीम बिन मुआविया बिन हैदा अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुम 70 उम्मतों की तकमील कर रहे हो, लेकिन तुम उन सबसे बेहतर और अल्लाह ताला के हाँ ज्यादा मुअज्जज उम्मत हो। सैयदना अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे वो कुछ अता किया गया है जो दिगर अंबिया से में से किसी को भी नहीं दिया गया। हमने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या है? तो फरमाया, मुझे रोब देकर मेरी मदद की गई है, मुझे जमीन की चाबियां अता की गई हैं, मेरा नाम अहमद रखा गया है, मेरे लिए तमाम जमीन को पाक बना दिया गया है और मेरी उम्मत को सबसे बेहतर उम्मत करार दिया गया है। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद पर मुश्तमिल एक ऐसी जमात जन्नत में दाखिल होगी जिनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि ये सुनकर अकाशा बिन मोहसिन असदी रजी अल्लाह अन्हु अपनी चादर उठाते हुए खड़े हुए और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी उनमें से कर दे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह उन्हें भी इनमें से कर दे। फिर अंसार में से एक शख्स खड़ा हुआ और उसने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला मुझे भी उनमें से कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मामला में अकाशा तुम पर सबकत ले गए। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम अहले जन्नत में से एक चौथाई हो जाओ? हमने यूं सुनकर कहा, अल्लाहु अकबर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम अहले जन्नत में से एक तहाई हो जाओ? हमने अल्लाहु अकबर कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम अहले जन्नत में से निस्फ हो जाओ? हमने अल्लाहु अकबर कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि तुम अहले जन्नत में से निस्फ होगे। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम आखिर में आने वाले हैं, लेकिन क्यामत के दिन पहले होंगे। इसके बावजूद कि उन्हें किताब हमसे पहले दी गई थी और हमें उनके बाद दी गई है, अल्लाह ताला ने हमें इस दीन को इख्तियार करने की हदायत फरमाई है जिसमें उन्होंने इख्तलाफ किया था। सो ये दीन जिसमें उन्होंने इख्तलाफ किया था, लोग इसमें हमारे पीछे हैं कि यहूदी एक दिन बाद हैं और नसरानी हमसे दो दिन बाद हैं। तअमरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाही। मोमिनों की इन सफात को बयान करते हुए एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, वल मुमिनूना वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बास यअमरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकरी व युकीमूना सलाता व युतूना ज़कात وَيُؤْتُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورۃ التوبہ میں اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے باس کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला जरूर रहम करेगा, बेशक अल्लाह ताला सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी को हदायत की तरफ बुलाया तो उसको
उन तमाम लोगों के बराबर अजर मिलेगा जितना हदायत की पैरवी करने वालों को मिलेगा, और ये अजर उनके अजरों से कुछ कमी नहीं करेगा। और जो किसी को किसी गुमराही की तरफ बुलाएगा तो उस पर उन तमाम लोगों के गुनाहों का भी उतना ही वबाल होगा जितना बुराई की पैरवी करने वालों को होगा, और ये इनके गुनाहों में कुछ कमी नहीं करेगा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।